सो so, इस बात में कोई शक नहीं है कि मोटर स्पेस में न्यू रेवल्यूशन है पावर एफिशिएंट एंड पावरफुल बी मोटर्स फिर चाहे वो अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो एयर कंडीशनर वॉशिंग मशीन जैसे होम अप्लाइंस या इनफैक्ट अपना नॉर्मल सीलिंग फैन अगर हमें हाफ इलेक्ट्रिसिटी यूजेज में फुल परफॉर्मेंस चाहिए विथ लॉन्गर लाइफ तो बी मोटर अप्लायसेस ही अपने न्यू फ्यूचर हैं एंड इसी में यहाँ पे अपना फ्रेश एडिशन है ये एटमबर्ग मिक्सर ग्राइंडर जिसकी पीक पावर कंजप्शन है ओनली 550 हंड्रेड लेकिन परफॉर्मेंस है एक 1000 थाउजेंड वॉट के मिक्सर ग्राइंडर से सिमिलर एंड वैसे तो इसमें बी मोटर होने के वजह से इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन क्या इस एटम मिक्सर ग्राइंडर की हाईलाइट सिर्फ इसकी बी मोटर ही है तो जी बिल्कुल नहीं ये एक पावरफुल साइलेंट एंड एफिशिएंट के साथ साथ मिक्सर ग्राइंडर भी है और वैसे यहाँ पे इन सब चीजों से हमारा क्या फायदा है ये एटम मिक्सर ग्राइंडर क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है प्रोज एंड कॉन्स क्या है इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एंड प्रॉपर टेस्टिंग भी करेंगे तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ फर्स्टली so ये आता है इस वेल पैक्ड पैकेजिंग में जिसमें इसके साथ है इन टोटल फोर जार्स फर्स्टली है अपने थ्री स्टेनलेस स्टील जार्स जो कि है 500 हंड्रेड चटनी जार 1 लीटर ड्राई ग्राइंडिंग जार एंड 1.5 पॉइंट फाइव लीटर लिक्विडाइजिंग जार नेक्स्ट है ये 500 हंड्रेड का चॉपिंग जार स्पैचुला कुछ पेपर वर्क एंड ऑफकोर्स अपना मेर मिक्सर ग्राइंडर और यहाँ पे वैसे तो स्टेनलेस स्टील जार हमें हर एक मिक्सर ग्राइंडर के साथ मिलते हैं बट इसके जार जेन्यूनली हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील के हैं विथ ग्रैब हैंडल्स क्लिप ऑन लिट्स फॉर हैंड फ्री ऑपरेशन एंड नॉट जस्ट हैंड फ्री ऑपरेशन इन लिट्स में हमें एंटी ग्रेविटी लिट्स लॉक मिलते हैं दिस मींस ये लॉक्स ऑटोमेटिकली नहीं गिरते लाइक मोस्टली अदर ब्रांडेड जार्स जिससे हम ज्यादा कन्वीनियंटली जार पे ओनली वन हैंड से लिड लगा सकते हैं नेक्स्ट इसके जार्स पे हमें हाई क्वालिटी की रबर सील मिलती है फॉर लीक प्रूफ फिटिंग एंड साथ ही में इनके लिड्स पे यहाँ पे लार्ज इनफ लिड कैप्स भी हैं फॉर इजी एडिशन एंड स्टीरिंग बाकी ये सारे स्टेनलेस स्टील जार्स हमें फ्रॉस्टेड स्टील फिनिश में मिलते हैं विथ फ्रॉस्टेड एंड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लिड इन शॉर्ट करंट जनरेशन के अकॉर्डिंग ये सारे जार्स बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ डिजाइन एंड प्रैक्टिकलिटी वाइज भी प्रीमियम है देन इसके अलावा ये है इसका चॉपर जार विद डिटैचेबल बॉटम एंड टॉप ब्लेड्स नाउ अब हम चाहें तो अपना मैनुअल चॉपिंग जार को रिटायर कर सकते हैं क्योंकि ये कोई एक नॉर्मल चॉपिंग जार नहीं है जिसे मैं डेफिनेटली आगे एक्सप्लेन करूंगा देन फिर अब इसके बाद ये है अपना मेन मिक्सर ग्राइंडर यूनिट विद सीमलेस बिल्ड यानी कि इसमें कोई भी एयर वेंट्स नहीं है क्योंकि इसको एयर वेंट्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक आम मिक्सर ग्राइंडर जैसा ओवर हीट नहीं होता ये हमें इजिली 45 फाइव मिनट्स तक बिना ओवर हीट हुए यूसेज प्रोवाइड कर सकता है जो जनरली यहाँ पे हर अदर मिक्सर ग्राइंडर में 30 मिनट्स का रिकमेंडेशन रहता है और इसी के साथ इसके वेंटलेस एंड सीमलेस डिज़ाइन के वजह से इसकी क्लीनिंग भी सुपर इजी है अनलाइक ट्रेडिशनल मिक्सर ग्राइंडर ये आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों तरफ से गंदा नहीं होता जिससे हमें मिलेगी एक्स्ट्रा हाइजीन एंड ऑलवेज स्पॉटलेस मिक्सर ग्राइंडर और एडिशनली ये यहाँ पे साइज वाइज भी सबसे कॉम्पैक्ट है अराउंड हाफ इंज साइज एस कम्पेयर टू एनी नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर जिसके वजह से अपने अपने काउंटर टॉप पे भी कोई ज्यादा स्पेस ऑक्यूफाई नहीं करेगा बाकी इसके कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ साथ इसका जो ऑपरेशन है वो भी काफी स्मूथ है विद लेस वाइब्रेशन लाइक इसके बॉटम साइड में हमें सुपर पावरफुल सक्शन कप्स मिलते हैं जो प्रॉपरली काउंटर टॉप को होल्ड करके रखेंगे एंड कलेक्टिवली इन तीनों फीचर्स के वजह से हम इस मिक्सर ग्राइंडर को बहुत ही कन्वीनियंटली सिंगल हैंडेड या हैंड फ्री भी यूज कर सकते हैं और वैसे ये यहाँ पे इन थ्री एलिगेंट कलर वेरिएंट्स में भी आता है ब्लैक व्हाइट एंड रेड वाइन बाकी इसके बाद इस मिक्सर ग्राइंडर की जो नॉइस है वो अगेन यहाँ पे लोएस्ट है इन कंपैरिजन टू तो एनी मिक्सर ग्राइंडर और ये भी यहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एडवांस बी मोटर और यहाँ पे बस यही नहीं अभी तो हमने इसकी परफॉर्मेंस एंड फीचर्स को स्टार्ट किए हैं इन टोटल फाइव ग्राइंडिंग मोड्स है थ्री स्पीड लेवल्स विथ पर्स मोड एंड एडिशनली ये एक यूनिक कोर्स मोड अब यहाँ पे हमें नॉर्मल स्पीड लेवल्स तो पता है बट ये अपना कोर्स मोड क्या है सो so फर्स्टली इस मिक्सर ग्राइंडर में हमें वाइडेस्ट स्पीड रेंज मिलती है फ्रॉम टू थाउजेंड आर पी एम टू हाइस्ट एन थाउजेंड आर पी एम इन थर्ड स्पीड लेवल हमें टू चूज फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन आर नीड्स नेक्स्ट जब हम इसमें कोर्स मोड यूज करेंगे तो स्टेनलेस स्टील जार्स के लिए इसकी आर पी एम रहेगी फाइव थाउजेंड आर पी एम एंड अपना चॉपर जार के लिए रहेगी टू थाउजेंड आरपीएम एंड इस यूनिक कोर्स मोड से हमें टेक्सचर रिच ग्राइंडिंग मिलेगी एंड यहाँ पे अपने चॉपिंग जार में परफेक्ट चॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा यानी कि इस कोर्स मोड पे ग्राइंडिंग करने से हमें अपना ट्रेडिशनल सिल्वर्टा लाइक -like टेक्सचर मिलेगा जिससे हम कुछ इस टाइप से चटनी या डिप्स प्रिपेयर कर सकते हैं एंड साथ ही में इस कोर्स मोड पे ग्राइंडिंग करने से जो अपना ऑथेंटिक टेस्ट है वो भी प्रिजर्व रहता है विद ग्रेट टेक्सचर और साथ ही मैं इस मोड पे जूसेस प्रिपेयर करते समय जो अपने फ्रूट्स के सीड्स होते हैं वो क्रश नहीं होते जिसके वजह से हमें यहाँ पे जो ऑथेंटिक टेस्ट है अपने फ्रूट का वो बिल्कुल सही मिल पाता है एंड जो सीड के क्रश होने की वजह से टेस्ट जो खराब होता है वो इस मोड पे नहीं होगा एंड ये सब चीज़ें एक नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर पे करना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है सो ऑल एंड ऑल ये कोर्स मोड एक यूनिक एडिशन तो है एंड फॉर श्योर अपने इंग्रेडिएंट्स का जो टेक्सचर निकल के आता है कोर्स मोड में उसकी तो अलग ही फील है बाकी आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि इसके डिफरेंट जार्स के लिए डिफरेंट स्पीड्स हैं क्योंकि ये मिक्सर ऑटोमेटिकली अपने जार को भी सेंस करता है एंड चॉपर जार के लिए हाइएस्ट आर पी ही रखता है फॉर ऑल विस ऑल टाइप्स ऑफ सीमलेस एंड प्रॉपर चौपिंग एंड सेफ्टी ऑल्सो एंड इसी के साथ इसमें कई और यूनिक सेफ्टी फीचर्स भी हैं लाइक like मिक्सर पे कोई जार नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसका मिक्सर नहीं चलेगा इसके नॉब पे हमें रेड अलर्ट इंडिकेशन मिलेगा विद बीप साउंड एंड इसी के तरह जार अगर लॉक नहीं है तो अगेन अपना मिक्सर नहीं चलेगा एंड अगर मिक्सर चलते हुए हमने जार रिमूव किया तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा नेक्स्ट अगर आपने मिक्सर यहाँ पे नॉब से ऑफ नहीं किया यानी कि नॉब से जीरो पे नहीं किया या फिर आपके यहाँ पे लाइट चली जाए तो यहाँ पे मिक्सर वापस स्विच से ऑन करते समय या फिर अगर लाइट वापस आती है तो मिक्सर डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होगा रन करेगा सो ऑल एंड ऑल जो भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मिसहेपनिंग के कॉजेस हैं वो सब इन फीचर्स के हेल्प से एटम बर्ग ने प्रिकॉशन स्टेज में ही सॉल्व कर दिए जो नो no डाउट काफी अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं ना अब इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस सेक्शन में हम इसकी परफॉर्मेंस डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करें तो मैं आपके स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के डिमॉन्स्ट्रेशन शो कर रहा हूँ लाइक चना चटनी हल्दी गेहूँ सूखा धनिया इडली डोसा बैटर बनाना शेक एक्सेट्रा इन सब चीजों से आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि इस मिक्सर परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट हो रहे हैं बाकी एडिशनली अपनी टेस्टिंग यहाँ पे लिमिटेड नहीं रहेगी मैं आपको हेल्प ऑफ वाइटी शॉट्स इसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट डिफरेंट चीजों में भी आगे डिमोन्स्ट्रेट करूंगा फिलहाल जैसा कि आप देख ही रहे हो कि कैसे ये हैवी ग्राइंडिंग लाइक हल्दी चना व्हीट इनको भी प्रॉपरली पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर रहा है स्पेशली हम यहाँ पे हैवीएस्ट ग्राइंडिंग टेस्ट की बात करें यानी कि हल्दी तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मैंने फुल साइज बड़ी हल्दी ली है जो यहाँ पे कई 1000 थाउजेंड वॉट की मिक्सर ग्राइंडर भी प्रॉपरली पाउडर फॉर्म में ग्राइंड नहीं कर पाती बट यहाँ पे ये यह एटम वर्क की बी एल सी फाइव हंड्रेड वॉट की मिक्सर ग्राइंडर इसको भी बिल्कुल प्रॉपरली ग्राइंड कर रही है इसके अलावा इस कोर्स मोड में मैंने यहाँ पे दलिया भी प्रिपेयर करने की कोशिश की जो इससे यहाँ पे काफी सही कंसिस्टेंसी से प्रिपेयर हुआ एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कोर्स मोड में अगर आप ज्यादा देर तक भी ग्राइंडिंग कर दे तो यानी कि जो

अब यहाँ पे बारी है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड कॉन्स की तो फर्स्टली इसकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है कि इफ वी वांट पावर ऑफ 1000 थाउजेंड वॉट मिक्सर ग्राइंडर इन लेस इलेक्ट्रिसिटी यूनिक कोर्स मोड कॉम्पैक्ट एंड सीमलेस डिजाइन लेस नॉइस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेफेस्ट मिक्सर ग्राइंडर विद ग्रेट बिल्ड क्वालिटी ऑफ मिक्सर ग्राइंडर एंड जार एज वेल विथ एवरी पॉसिबल प्रैक्टिकलिटी तो नो no डाउट इसका कोई कंपटीशन नहीं है ये जेन्युनली एक बेस्ट आज के जमाने का मिक्सर ग्राइंडर है इसकी करंट प्राइसिंग है अराउंड 6999 थाउजेंड की विद इन टोटल थ्री इयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और इसकी करंट बेस्ट प्राइसिंग जानने के लिए बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बाकी यहाँ पे बात रही कॉन्स की तो अभी तक की मेरी टेस्टिंग में मुझे इसमें कोई कॉन फील नहीं हुआ यह हर एक मिक्सर ग्राइंडर के इम्पोर्टेंट पिलर्स को चेक करता है और वैसे इस मिक्सर ग्राइंडर का फ्यूचर अपडेट में आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट करता रहूंगा एंड इन सब के अलावा यहाँ तक तो वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट रह गया हो तो आप मेरे फ्री कॉल कंसेंटिंग का बेनिफिट ले सकते हो या फिर अपना कमेंट्स इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स में अपने कमेंट के रिप्लाइज ले सकते हो